क्या होगा अगर आप स्पॉन हो जाते हो एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी हो, विलेजेस भी एग्जिस्ट नहीं करते और एनिमल्स का स्पॉन रेट भी बहुत कम है। तो क्या इतने चैलेंजेस के बाद भी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 150 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्ड मोड में? इस वीडियो के लिए मैंने कुछ गोल्स भी रखे हैं, जिसमें से पहला गोल तो ये है कि मुझे डायमंड के टूल्स और डायमंड का आर्मर बनाना है। सेकेंड गोल है कि मुझे मेरे लिए बहुत सारे फार्म्स बिल्ड करने हैं जिससे मेरा सर्वाइवल बहुत ईजी हो जाएगा। और मेरा थर्ड गोल ये है कि मुझे मेरे लिए एक आलिशान सा हाउस बिल्ड करना है। और मेरा फोर्थ एंड लास्ट गोल है कि मुझे एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है। तो देखते हैं मैं इनमें से कितने गोल कंप्लीट कर पाता हूँ। तो गाइस डे 1 पर मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस आइलैंड पर, जो कि काफी छोटा आइलैंड था, और इससे थोड़ी दूरी पर मुझे और एक आइलैंड दिखता है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से उस आइलैंड के लिए निकल जाता हूँ। इस आइलैंड पर पहुंचते ही मुझे और एक आइलैंड दिख गया जो कि काफी बड़ा था और इस पर बहुत सारे ट्रीज भी थे। तो मैं उस आइलैंड पर चला गया और इस आइलैंड पर आते ही मैंने वुड कलेक्ट किया और उससे वुडन पिकेक्स बना ली। पिकेक्स क्राफ्ट करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा था और जाते जाते मुझे यहाँ से कुछ अजीब सी आवाज आई। फिर मैंने नीचे जाकर देखा तो यहाँ पर तो लावा पुल था, लेकिन यहाँ पर आने से मुझे कोबलस्टोन मिल गए जिससे मैंने अपने टूल्स को भी अपग्रेड कर दिया। फिर मैं आइलैंड के इस साइड पर आया और यहाँ पर आकर मुझे कुछ शुगर केन दिखे तो मैंने उनको भी रिप्लांट कर दिया। इसके बाद मुझे ओशन में कॉड फिश का ग्रुप दिखा तो मैंने एक एक करके सारे कॉड को कट कर दिया। अब मुझे कोल और आयरन चाहिए था तो मैंने डोर्स बनाए और पानी के नीचे एक्सपोज डोर्स ढूंढने चला गया। और थोड़ी देर में मुझे यहाँ से थोड़ा कोल और दो आयरन मिल गए, पर ये आयरन पिकेक्स बनाने के लिए इनफ नहीं थे, मुझे और भी आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने माइनिंग चालू कर दी, पर माइनिंग चालू करने से पहले मैंने माइन के एंट्रेंस को बंद कर दिया, क्योंकि अगर कोई क्रीपर आके फट गया ना तो मेरा डे 1 या डे लास्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने शील्ड बना ली क्योंकि केओस में मॉब्स का बहुत खतरा होता है। और फिर शील्ड बनाने के बाद मैं वापस माइनिंग करने चला गया और माइनिंग करते करते मुझे क्यों मिल गई, पर यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था तो मैं यहाँ से नीचे कूद गया। और भाई नीचे कूदते से ही मुझे आयरन ओर्स दिख गए और फिर मैंने और भी बहुत सारे ओर्स माइन किए। माइनिंग करते टाइम मुझे जो भी आयरन मिले मैंने उनसे ही आयरन पिकेक्स और आयरन आर्मर बना लिया, मतलब डे 2 पर ही मेरा आयरन आर्मर पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर डे 2 और डे 3 को मैंने मेरे आइलैंड पे के ऑलमोस्ट सभी पेड़ काट दिए, टॉर्चेस लगा दिए जिससे कि मॉब स्पॉन नहीं होंगे और आइलैंड पर लाइट भी रहेगा, और एक छोटा सा क्रॉप फार्म भी बना दिया जिससे कि मुझे फूड मिल जाएगा और बार बार फिश पकड़ने में टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। क्रॉप फार्म बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ माइनिंग करने और मुझे दो डायमंड्स की वेन दिखती है, तो मैं जल्दी से उनको माइन करके इस केव को एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे यहाँ एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख गया तो मैंने उसको भी बोट में ट्रैप कर दिया। इस ज़ॉम्बी विलेजर को ट्रैप करते करते मुझे केव में और एक डायमंड मिल गया और अब मेरे पास 3 डायमंड्स हो गए थे। तो मैंने इन डायमंड से डायमंड पिकेक्स बना ली और अब पिकेक्स बना ही लिए तो चलो चलते हैं माइनिंग करने। फिर मैं माइनिंग करने आया और 10-15 मिनट के बाद मुझे 9 डायमंड्स की वेन मिल गई। और सोचो भाई, अगर मेरे पास फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स होती तो हाफ स्टैक के अराउंड डायमंड्स तो मिल ही जाते। डायमंड्स माइन करके मैं वापस केव एक्सप्लोर करने चला गया और मुझे अबंडन नेदर पोर्टल मिल गया। इसके चेस्ट में लूट तो कुछ इतनी अच्छी थी नहीं, पर फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए फ्लिंट मिल गया और नेदर में जाने के लिए गोल्डन बूट्स भी मिल गए। फिर मैंने जल्दी से पोर्टल को कंप्लीट किया और पोर्टल लाइट अप करके नेदर में एंटर हो गया। नेदर में स्पॉन होते से स्पॉन देखकर मेरा मूड खराब हो गया था, पर फिर थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मुझे बाजू में क्रिमसन फॉरेस्ट दिखा, तब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। नेदर से आके पहले तो मैंने डायमंड के टूल्स बनाए और फिर मैं इस आइलैंड पे आ गया जो कि मेरे आइलैंड के बाजू में ही था। इस आइलैंड पे आकर मैंने इसके लैंड को फ्लैट किया और थोड़ा एक्सपांड भी कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फार्म बिल्ड करने हैं। रात में मैं मेरे आइलैंड पे मॉब्स को मारते हुए घूम रहा था और मेरे आइलैंड पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था। फिर मैंने उसको नीचे माइन में लाकर ट्रैप कर दिया। अब उसको क्योर करने के लिए मुझे पोशन ऑफ वीकनेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आ गया नेदर में और फिर आधे घंटे तक ढूंढने के बाद मुझे फाइनली नेदर फोर्ट्रेस मिल गया।
मैं फोर्ट्रेस में आया ही था और यहाँ पर यह रास्ता लावा की वजह से ब्लॉक हो गया था, तो मैंने लावा पर ब्लॉक रख रख कर रास्ता बनाना चालू किया और मैं गलती से लावा में ही कूद गया। और तुम मेरा दिमाग को देखो, मतलब मैं नेदर में वाटर बकेट से आग बुझा रहा था और भाई इस बार तो मैं मरते मरते बचा, बस हाफ हार्ट पे जान बची है मेरी। इसके बाद मुझे ग्लोस्टोन दिखे तो मैं उन्हें माइन कर रहा था और फिर मुझे बाद में पता चला कि इसके पीछे तो ब्लेस स्पॉनर है और ब्लेस स्पॉनर दिखते ही मैंने ब्लेजेस को मारना शुरू कर दिया, लेकिन ब्लेजेस को मारते मारते मैं खुद दो बार मरते मरते बचा। पर फाइनली मुझे एक ब्लेस रॉड मिल गई और उससे मैंने ब्रीविंग स्टैंड बना लिया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद हिम्मत करके ब्लेस स्पॉनर पे टॉर्चेस लगा दिए और मैं वापस ब्लेजेस को मारने लगा। अब मुझे एक ब्लेस रॉड चाहिए थी, वो भी मुझे मेरा ब्रीविंग स्टैंड तो बन गया था। अब मुझे फर्मेंटेड स्पाइडर आई चाहिए थी, जिसके लिए मुझे स्पाइडर साय और मशरूम चाहिए। मेरे पास स्पाइडर साय तो थी पर मशरूम ढूंढने के लिए मैं बहुत देर तक ओशन में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक ट्रैवल कर रहा था और फिर मुझे टाइगर फॉरेस्ट वाला आइलैंड दिख गया। या आते से स्टब मॉब मेरे पीछे पड़ गए पर मैंने पीपल का एडवांटेज लेकर सबको इजीली मार दिया बेचारे मॉब्स। इसके बाद सुबह हो गई और मैंने मशरूम के साथ साथ स्प्रूस सैपलिंग्स, स्वीट बेरीज, अजेलिया सैपलिंग्स और पंपकिन ले लिए और मैं मेरे आइलैंड के लिए निकल गया। अपने आइलैंड पे आने के बाद मैंने स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बनाया और फिर मैंने अपने ज़ॉम्बी विलेजर को स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस फेंक कर मारा और गोल्डन एप्पल। थोड़ी देर में मेरा ज़ॉम्बी विलेजर फ्री हो गया और फिर मैंने अपने क्रॉप फार्म को बहुत एक्सपांड कर लिया क्योंकि मुझे विलेजर्स को ब्रीड करने के लिए ब्रेड्स लगेगी और ब्रेड्स बनाने के लिए मुझे वीट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में मैं केव्स में माइनिंग करने आ गया और माइनिंग करते करते मुझे माइनशाफ्ट दिख गई और माइनशाफ्ट में से स्ट्रिंग कलेक्ट करके मेरा बेड का जुगाड़ भी हो गया। फिर मुझे थोड़ी देर में स्पाइडर स्पॉनर दिखा तो मैंने उसको भी टॉर्चेस लगा के बंद कर दिया और स्पॉनर के बाजू में एक चेस्ट भी मिल गई जिसमें से मुझे बीटरूट के सीड्स मिल गए और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट सामान नहीं था। फिर माइनशाफ्ट से बाहर आकर मैंने स्ट्रिंग से वुल बना लिया और वुल से बेड बना लिया और अब बारी थी वुड फार्म बनाने की। तो मैं आ गया इस आइलैंड पर और ये रहा मेरा मैनुअल वुड फार्म का टाइम लैप्स। वुड फार्म तो बन गया और अब डे 15 को मैं पहली बार अपने इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सो रहा था। भाई मतलब मेरे लिए नहीं तो कम से कम स्टीव के लिए तो लाइक कर दो, वो बेचारा 15 दिन से कंटेंट बना रहा है तो एक लाइक तो स्टीव के लिए बनता है भाई। अब मुझे एक्सपी फार्म बनाना था तो 2-3 दिन तो मुझे एक्सपी फार्म का सामान इकट्ठा करने में लग गए और ये रहा एक्सपी फार्म का टाइम लैप्स। टाइम को मारकर मैं सबसे पहले वाले ज़ॉम्बी विलेजर को लेने आया था जो कि मुझे क्लोज में मिला था, पर इसके साथ कुछ ऐसा हो गया। इसमें गलती तो मेरी थी, मैं भूल गया कि सनलाइट से मर सकता है। चलो छोड़ो भाई, अब नया ज़ॉम्बी विलेजर ही ढूंढना पड़ेगा। तो अब नया ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन करने के लिए मैं आ जाता हूं अपने एक्सपी फार्म पे और 3 बार 10-15 मिनट तक एफके रहने के बाद मेरे एक्सपी फार्म में नया ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया। फिर मैंने जल्दी से ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पर लाकर ट्रैप कर दिया और इसको क्योर करने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। अभी जो हुआ ऐसा शायद तुमने किसी वीडियो में देखा होगा। अच्छा तो भाई मुझे जल्दी से विलेजर का पॉपुलेशन इंक्रीज करना था तो मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर भी नहीं होने दिया और बोट में बिठाकर अपने आइलैंड पर लेकर जा रहा था। फिर थोड़ी दूर जाने पर ज़ॉम्बी विलेजर ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया तो मैं बोट से उतर गया। उतरते से मैंने पीछे देखा तो समुद्र के बीच में बोट में बैठे बैठे ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो गया। फिर इसको यहाँ तक लाने में मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊँ, पर फिर भी कैसे तो भी इसको यहाँ तक ला ही लिया।
अब मुझे इन विलेजर्स को ब्रीड करना था तो मैंने इनको ब्रीड खिला दिया, और जब थोड़ी देर बाद मैं वापस आया तो इनका बच्चा भी बॉर्न हो गया था। फिर इस बच्चे के बड़े होने के बाद मैं ज़ॉम्बी को लाया और इन तीनों को विलेजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर आयरन गोलम भी स्पॉन हो गया था, जिससे मुझे फ्री में आयरन मिल गया। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, पहले मेरे पास आयरन की कमी थी। ये विलेजर्स क्योर हो गए थे तो मैंने इनको जॉब्स दे दिए और फिर इनसे ट्रेडिंग करके एमराल्ड्स कमाना चालू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने मेरे फ्यूचर को स्टिक्स बेचकर एमराल्ड ले लिए, और फिर ऐसे ही ट्रेड करते करते मेरे टूल्समिथ ने मुझे जर्नीमैन लेवल पर एक एमराल्ड में डायमंड हो देना चालू कर दिया, और थोड़ी देर बाद एक्सपर्ट लेवल पर ये मुझे अनब्रेकिंग की डायमंड एक्स दे रहा था, और मास्टर लेवल पर इफिशियंसी 1 की पिकेक्स भी दे रहा था। इसके बाद मैंने मेरे फ्लेचर को भी एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचा दिया और ये मुझे अनब्रेकिंग 1 की वो दे रहा था, और मैंने आर्मरर से डायमंड लेगिंग्स और डायमंड शूज भी ले लिए जो कि मुझे काफी महंगे मिले। विलेजर से ट्रेडिंग करते करते मैं उनका पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा था। अब जो बिल्ड मैं बनाने वाला हूँ उसका शेप तो एक बार्न जैसा है, पर मैं उसके ग्राउंड फ्लोर पे 3 फार्म्स बिल्ड करने वाला हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ। तो अब तुम लोग इस बिल्ड का टाइमलैप्स एंजॉय करो। बार्न बनाते थे मैंने अगले बिल्ड की तैयारी चालू कर दी। सबसे पहले तो मैंने इफिशिएंसी 1 की पिकेक्स खरीदी और फिर बिल्ड का सामान कलेक्ट करना चालू कर दिया। बाकी सब सामान कलेक्ट करना तो बहुत इजी था, पर ये ब्लैकस्टोन ढूंढने के लिए मुझे नेदर जाना पड़ा, और उसके बाद भी कम से कम आधा घंटे तक ढूंढने के बाद मुझे ब्लैकस्टोन मिले। तो ये रहा इस बिल्ड का टाइम लैप्स। टावर हाउस के बिल्ड होने के बाद में मेरे माइनशाफ्ट में रेल्स कलेक्ट करने आ गया, और फिर मैंने मेरे वूल फार्म में से वूल ले लिया और उनसे बेड्स बना दी और उन्हें यहाँ पर प्लेस कर दिया। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे मेरे विलेजर्स को इस नए टावर हाउस में शिफ्ट करना है। इसके बाद मैंने रेल्स को कनेक्ट करके टावर हाउस तक ला लिया और फिर इन विलेजर्स को एक एक करके शिफ्ट कर दिया। विलेजर्स को तो शिफ्ट कर दिया था, अब इनको ब्रीड करने के लिए फूड लगेगा, और मैंने मेरे पहले वाले क्रॉप फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो मुझे नया क्रॉप फार्म बनाना पड़ेगा। क्रॉप फार्म में से मुझे जो भी फूड मिल रहा था मैं वो सारा फूड विलेजर्स को खिला दे रहा था, और 3-4 दिनों तक ऐसा करने के बाद मेरा रूम पूरा विलेजर्स से भर गया। लेकिन मुझे और भी विलेजर्स चाहिए थे, तो मैंने 2 छोटे विलेजर्स को इस नीचे वाले फ्लोर पर ला लिया और इनके बड़े होने के बाद इनको भी ब्रीड करना चालू कर दिया। विलेजर्स को ब्रीड करने के बाद मैंने 3 कैट्स को भी टेम कर लिया, और भाई अब मुझे इन कैट्स का नाम रखना था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इन कैट्स का क्या नाम रखूँ, और जो भी नेम्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन्हें रख दूंगा। अब मुझे मेरे बार्न में विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना था, तो मैंने विलेजर्स को ट्रांसफर करने के लिए बांध से टावर तक रेलवे बना दिया। लेकिन इन विलेजर्स को ट्रांसफर करने से पहले मुझे इनको ज़ॉम्बीफाई करके क्योर करना है, जिससे कि ये मुझसे बहुत कम प्राइस में सामान ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने विलेजर्स को फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक ट्रांसफर किया, और फिर एक ज़ॉम्बी को लाकर इन विलेजर्स को ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर दिया। इन विलेजर्स को क्योर करने के लिए मुझे गोल्डन एप्पल बनाना पड़ेगा, तो मैं गोल्ड माइन करने के लिए नेदर में आ जाता हूँ,
और फिर नेदर से जाने के बाद मेरा एक बार वांडरिंग रेड भी स्पॉन हो जाता है, तो मैं उससे रेड सैंड और स्लाइम बॉल्स ले लेता हूँ। फिर मैं अपने वुल फार्म पे आकर शिप को ऑरेंज कलर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे नेक्स्ट बिल्ड में ऑरेंज वुल की जरूरत पड़ेगी। ये सब हो जाने के बाद मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करने के लिए उन पर स्लैश पोशन ऑफ फिटनेस फेंकता हूँ और गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ। पर अगर तुमने नोटिस किया हो तो पहले ये 4 विलेजर्स थे, पर इसमें से एक विलेजर मर गया। अब ये तो मुझे भी नहीं पता है कैसे हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आकर देखा तो ये विलेजर्स क्योर हो गए थे, पर मुझे और भी विलेजर्स चाहिए थे, तो मैंने 3 विलेजर्स को ग्राउंड फ्लोर पर ला लिया और एक ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल गया। फिर मैंने इन सब विलेजर्स को और 2 बार ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करके क्योर किया, जिससे कि ये मुझे बहुत चीप प्राइस में सामान ट्रेड करेगी। अब बारी थी इन विलेजर्स को बांध में ट्रांसफर करने की, तो मैंने एक एक करके इन 5 को बांध में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद मैंने 2 विलेजर्स को फार्मर और 3 विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना दिया और फिर ट्रेडिंग चालू कर दी। 8 डेज तक लाइब्रेरियन से ट्रेड करने के बाद मेरे 3 भी लाइब्रेरियन मास्टर लेवल पर पहुंच गए थे और इनसे मुझे बहुत सारी काम की बुक्स मिल गई, जैसे कि मेंटिंग, प्रोटेक्शन 3, इफिशियंसी 5 और सिल्क टच। फिर मैंने मेरे सभी टूल्स और आर्मर को एन्चेंट कर दिया। मेरे दोनों फार्मर्स भी मास्टर लेवल के हो गए थे और ये मुझे 1 एमराल्ड में 3 गोल्डन कैरेट दे रहे थे, तो अब मुझे फूड का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। विलेजर्स से ट्रेड करके अच्छा आइटम्स तो ले ही सकते हैं, लेकिन विलेजर्स का एक और एक फायदा ये है कि इनके वजह से आयरन गोलम स्पॉन हो जाते हैं और इनको मारकर फ्री का आयरन मिल जाता है। मैंने बस मेरे इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के इनिशियल डेज में आयरन माइन किया, बाकी सब आयरन तो इन गोलम्स को मारकर ही मुझे मिला है। मेरे पहले की विलेजर्स तो सब मास्टर लेवल के हो गए थे, लेकिन मुझे और भी बुक्स और आइटम्स चाहिए थे, तो मैंने और 5 विलेजर्स को बाद में शिफ्ट कर दिया। इन 5 में से 3 विलेजर्स को मैंने वापस लाइब्रेरियन बना दिया और बाकी 2 को आर्मरर बना दिया। लाइब्रेरियन से तो मुझे फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग 3 और इन्फिनिटी की बुक्स मिल गई थी, और आर्मरर्स ने मुझे डायमंड हेलमेट और चेस्ट प्लेट देकर डायमंड आर्मर कंप्लीट करने में हेल्प कर दी। तो गाइस, D4 पर फाइनली मेरा डायमंड आर्मर कंप्लीट हो गया था और इसके साथ ही मेरा पहला गोल भी कंप्लीट हो गया, जो कि था डायमंड के टूल्स और आर्मर बनाना। मेरे पास डायमंड के टूल्स तो पहले से थे, लेकिन वो यूज करते करते जल्दी ब्रेक ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको अनब्रेकिंग 3 से एन्चेंट कर दिया, और मेंडिंग तो पहले से ही है। इसके बाद मैंने अपने एक्स और स्वॉर्ड को भी स्माइट 3 से एन्चेंट कर दिया और पिकेक्स में भी फॉर्चून 3 लगा लिया। इस वॉन्डरिंग ट्रेडर से मुझे 2 बहुत काम के चीजें मिल गए, जो कि थे डार्क ओक सैपलिंग्स और रेड सैंड। डे 86 से 95 तक मैंने मेरे नेक्स्ट बिल्ड की तैयारी की और यह बहुत सुंदर बिल्ड है, तो प्लीज इसे मिस मत करना। सबसे पहले तो मैंने क्रॉप फार्म को रिमूव किया और फिर इस आइलैंड को एक्सटेंड कर दिया, जिससे कि मुझे बिल्ड बनाने में बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। सामान कलेक्ट करना पड़ा और अब बारी थी इस बिल्ड को बिल्ड करने की। तो ये रहा इस बिल्ड का टाइम लैप्स, और अब आप लोग इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो। Mm-hmm.
बाद मैंने जो भी सामान इधर उधर पड़ा था वो सब विंडमिल में अच्छे से अरेंज करके रख दिया और फिर अपने हेलमेट और चेस्ट प्लेट को मेंडिंग से एन्चेंट कर दिया। तो बारी थी गाइस हमारे सबसे बेस्ट बिल्ड की, जो कि है मेरा हाउस। तो सबसे पहले तो मैंने जल्दी से सामान कलेक्ट किया। हाँ, जल्दी से मतलब 11 दिन तो मुझे सिर्फ सामान कलेक्ट करने में ही लग गए। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि इस हाउस को बिल्ड करने के लिए मुझे कितना सारा सामान लगने वाला है। जाने तो तुम लोग ये सब छोड़ो कि कितने दिन लगे और कितना सामान यूज करना पड़ा, इससे अच्छा तुम इस हाउस का टाइम लैप्स एंजॉय करो। बाकी सब बिल्ड्स इतने अच्छे बनाए लेकिन मेरी माइन बस नीचे तक खुदी हुई थी, तो माइन को अच्छा लुक देने के लिए मैंने माइन की एंट्रेंस बनाई। माइन बनाने से पहले मैंने माइन के आसपास के लैंड को टेराफॉर्म किया और मैंने इसका टाइमलैप्स तो बनाया, लेकिन माइन का टाइमलैप्स बनाना भूल गया। तो तुम लोग डायरेक्ट माइन बनने के बाद कैसी दिख रही थी वही देख लो। इनकी एंट्रेंस भी बन गई थी, लेकिन अब भी मेरे आइलैंड पर एक चीज की कमी थी, जो कि थे पाथवेज। अगर पाथवेज ना हो ना तो बिल्ड्स के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं दिखता है, इसलिए मैंने मेरे सभी बिल्ड्स को पाथवेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट किया और मेरे आइलैंड को थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर दिया। वीडियो के टाइटल में तो 150 डेज लिखा था, पर मुझे ये सब करने में 156 डेज लग गए और इतने दिनों की मेहनत के बाद हमारा आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा था। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। जिसने भी ये वीडियो यहां तक देखी है, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में 250 से भी ज्यादा घंटों की मेहनत लगी है। So once again, thanks for watching. Bye bye.